गर्मी का मौसम आ गया है और हमें ज़रूरत होती है कुछ एनर्जी से भरे हुए रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स की। इसके लिए मैं आज लाई हूँ वाटरमेलन मोहितो और वाटरमेलन रोज़ शरबत की दो कूल रेसिपीज़, जिसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूजन फ्लेवर्स। मैं हूँ शिल्पी। तो आइए मिलकर बनाते हैं इन दो रिफ्रेशिंग वाटरमेलन ड्रिंक्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं वाटरमेलन और रोज़ शरबत बनाने से। वाटरमेलन या तरबूजे का शरबत बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बोल लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे 1/4 कप पिसी हुई शक्कर। इसको हमें अच्छे से घोल लेना है। ये देखिए, शक्कर को मैंने घोल लिया है, हम इसे साइड में रखेंगे। यहाँ पर मेरे पास है 1/2 लीटर दूध। तो दूध को मैंने पहले से उबाल के ठंडा कर लिया था और फिर मैंने इसको करीब आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। और आप देखें, ये सेमी सॉलिड सा हो गया है। इसको हम थोड़ा सा इस तरह से तोड़ लेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है, शरबत बहुत देर तक ठंडा रहता है और इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ऐसे क्रिस्टल्स जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए, बस मैंने इसको हल्का सा इस तरह से क्रश कर लिया है और अब हम इसको इसी बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे गुलाब का सिरप। तो आज मैं यहाँ पर रुआवज़ा का यूज़ कर रही हूँ। करीब 3 टेबल स्पून भर के रुआवज़ा डाल रही हूँ मैं। तो आपको जिस भी कंपनी का मिले गुलाब का सिरप, आप उसका डाल सकते हैं। ये देखिए क्या बढ़िया कलर आ गया इसको डालते ही। ये देखिए, मैंने इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 ग्लास तरबूजे का जूस, मतलब वाटरमेलन जूस। बस मैंने वाटरमेलन को मिक्सी में चला के उसको छान लिया था, तो हमारा वाटरमेलन जूस तैयार हो जाता है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे करीब 1/2 कप बारीक कटा हुआ तरबूजा और इसमें डालेंगे रोज़ पेटल्स। ये देखिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप इस टाइम पर इसको एक बार टेस्ट कर लें। तो मुझे इसमें थोड़ा सा रुआवज़ा कम लग रहा है, मैं इसमें रुआवज़ा थोड़ा और डाल रही हूँ। मतलब टोटल मैंने इसमें 1/4 कप रुआवज़ा का इस्तेमाल किया है। तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत खुशबू भी आती है और शक्कर भी एक सी हो जाती है। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़े से आइस क्यूब। तो ये देखिए, बहुत ही टेस्टी हमारा तरबूजे का शरबत बनके तैयार है। बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। समर्स में आप इसको बनाएं और पिए, बहुत बहुत टेस्टी लगता है। तो आइए अब बनाते हैं वाटरमेलन मोहितो। तो इसके लिए मैंने एक ग्लास लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ नींबू। तो यहाँ मैंने आधे नींबू को 4 पीसेस में कट कर लिया है। इसमें डालेंगे काफ़ी सारी मिंट लीव्स, जिसको कि मैंने पहले से ही वॉश कर लिया है। इसमें डालेंगे थोड़े से तरबूज या वाटरमेलन के पीसेस। इसके साथ ही डाल देंगे 2 टीस्पून भर के पाउडर शुगर। अगर आप नहीं डालना चाहें तो आप इसको छोड़ सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप हनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट। तो इसे मिस ना करें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम इसे मडल कर लेंगे। तो बस हल्का सा ही इस तरह से क्रश करेंगे, एकदम पीसना नहीं है इसको। और अब हम इसमें डालेंगे काफ़ी सारी क्रश की हुई आइस और साथ में डालेंगे सोडा वाटर और बस इसको हल्का सा मिला देंगे। तो ये देखिए, एकदम रिफ्रेशिंग सा वाटरमेलन मोहितो बनकर बिल्कुल तैयार है। तो आपने देखा, ये दोनों ड्रिंक्स कितने आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही बहुत अमेजिंग, रिफ्रेशिंग, कूल और टेस्टी होते हैं। तो आप ट्राई करिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा पसंद आया। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।